जय हो। कैसन बानी आप सब भाई? पहले जुड़ जाए सब केहू, फिर बात कल जाए। दीपू गुप्ता जी, सब भाई लोग के प्रणाम, गुड मॉर्निंग। राकेश कुमार, जितेंद्र साहु जी, सब लोग जुड़िए, फिर एक विशेष बात करे के बाप सबके सामने। अंशु प्रिया जी, दिवाकर दुर्लभ, हेलो भाई, हेलो। बतैनी ना के ऊके काहे कि शूटिंग चलत रहे लगातार, और अभी भी शूटिंग पे ही बानी हम। बाकी टाइम निकाल के सोचनी आप सबसे तनी बात करें। अमित कुमार, शैलेश कुमार राय जी, सभी लोग जुड़ जाइए। एगो मामला आप लोग देखा था नहीं जा, यूट्यूब पे फेसबुक पे जी चला था। मैं इस बात को सोचकर इतना दुखित हूं, मैं कह नहीं सकता। मैं रात भर शूटिंग किया हूं, 3-4 घंटा सूतनी है, फिर सुबह से शूटिंग चला था। बाकी इतना अंदर से दुख भइल बा वो बात सुन के, कि पवन भैया ने मंच पर बोला, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, कलाकार किसी का नहीं होता है, सबका होता है, किसी एक जात का नहीं होता है, सभी का होता है। सब उसको प्यार करते हैं, सभी लोग दिल से चाहते हैं। वो बोले मंच पे कि हाँ, मैंने पहला गाना 100 मिलियन दिया है, तो ये सच्चाई है कि उन्होंने दिया है 100 मिलियन। लॉलीपॉप गाना भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर कोई कोई कहीं भी चला जाता है, या ऑस्ट्रेलिया जाए, या फिर लंदन जाए, चाहे कहीं भी जाता है, तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा लॉलीपॉप लॉलीपॉप, एक गाना को तो ज़रूर याद करता है लोग। तो इससे हम सभी को गर्व महसूस होता है कि चलिए भोजपुरी का इतना बड़ा गाना तो हुआ, जिससे कि लोग विदेश में भी लोग जानते हैं। तो उन्होंने किया है, मनोज तिवारी जी ने किया है, भरत शर्मा जी ने किया है, महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, सबों का योगदान हुआ था आज भोजपुरी इतना ऊपर पहुंचा है। तो अगर पवन भैया बोल ही दिए मंच पे कि हमने किया ऐसे, क्योंकि वो ऐसे तो बोलते नहीं हैं, आप लोग भी जानते हैं कितना दिन हो गया पवन सिंह कभी कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो गाते हैं। और वाकई में पवन सिंह जो गाते हैं वो तो गाते ही हैं, माई सरस्वती के असीम कृपा वा उनका ऊपर। और हम ही नहीं, समस्त कलाकार के दिल में पवन सिंह रहते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा गाते हैं। हम हो या कोई भी कलाकार हो, पवन सिंह से सबों ने सीखा है। और मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी सीखा होगा, क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री में आए हैं, उससे पहले पवन सिंह बहुत हिट दे चुके हैं। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं पवन सिंह जी को कि आपको गाने के सिवाय आता क्या है, बताइए। पवन सिंह सुपरस्टार कैसे हैं, सिर्फ उनको गाने ही आता है? इतने फिल्में हिट कैसे दिए वो?
फिल्म पर फिल्म, गाने पे गाने, दिन रात आदमी मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए था कि पवन सिंह को गाने के सिवाय उनके पास है क्या, ना डांस करने आता है ना एक्टिंग करने आता है। तो पवन सिंह 100 से ऊपर फिल्में जो हिट दिए हैं वो कैसे दिए हैं? दर्शक उन्हें इतना प्यार करती है, ये तो आपका बहुत बड़ा गलती है भाई। आपने जो एक शब्द कहा कि उनको गाने की सिवा आता क्या है, पवन सिंह दिल के सच्चे इंसान हैं, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं है, वो जो बोलते हैं वो खुलेआम बोलते हैं, मंच हो या कहीं भी हो वो दिल से। आदमी पहले तो कुछ बोलता ही नहीं है, जब वो बोलता है तो फिर कुछ किसी से ही बोला जाता है भाई। लेकिन पवन भैया, ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं पवन भैया के पक्ष में आकर बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि अब वो दूसरा मुद्दा उठाए कि दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं, तो दारू कौन नहीं पीता है जरा मुझे बताए, कौन दारू पी के मंच पे नहीं चढ़ रहा है? मैं नहीं जानता हूँ क्या? मुझे भी पता है भाई कि सब कोई दारू पिएला और सब पीता, और पब्लिक भी जानती है कि दारू कौन नहीं पीता है, सबको पता है कि सब पीता है तो पीता है। मंच पे पवन भैया को इतना कुछ आपको नहीं बोलना चाहिए था भाई, आपने हद पार कर दिया इस बार। मैंने जब लाइव देखा आपका, बहुत दुख हुआ कि खेसारी लाल यादव जी इस प्रकार से बोल सकते हैं। आपसे लोग उम्मीद रखता है, आप सुपरस्टार हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अखाड़ा में लड़ लिहल जाओ? क्या आप कलाकार हैं? आप पहलवान नहीं ना हैं जी? बताइए, क्या आप अखाड़ा में लड़ने की बात कर रहे हैं कि सारा भोजपुरी कलाकार के बुलावल जाओ और एक बार कुश्तीये हो जाए? ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? ये आपका गलती है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत मुझे दुख हुआ कि एक, मैं ये नहीं कि पवन सिंह, गुंजन सिंह, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, सारी कलाकार किसी का नहीं है, सभी का कलाकार है, यानी कि कोई जात पात पे कलाकार नहीं चलता है। मेरे गाने सारे लोग सुनते हैं, मेरे लिए सभी पब्लिक मेरे भगवान हैं, जान है हमारे, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सब मेरे दिल से हैं, सब मुझे प्यार करते हैं और सब कलाकार को प्यार करते हैं, जो भी अच्छा गाना गाते हैं सबको लोग सुनते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आप कह रहे हैं कि आइए अखाड़ा में लड़िए लीजिए एक बार, कितना गलत बात है। आप कलाकार हैं, कलाकार की तरह रहिए, इस प्रकार से किसी को चैलेंज मत करिए कि आप, आपका काम है बढ़िया गाना गाना, बढ़िया फिल्म बनाना, बढ़िया एक्टिंग करना, ये नहीं कि अखाड़े की बात करना, ये आपका गलती है। और आप उसको बोल रहे हैं, उस इंसान को बोल रहे हैं जिस इंसान को आप बाप के समान मानते हैं, तो आज बाप ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ना कहते हैं जी कि पवन भैया बाप के समान हुए, तो आप बाप को गाली देंगे? बताइए, ये शोभा देता है क्या? वो बड़े भाई हैं आपके, हमेशा रहेंगे, वो तो आपके कुछ नाम लेकर नहीं बोले, अब आप तो गोबर सिंह भी बोल दिए उनको, क्या क्या बोल दिए लाइव में, इस प्रकार से आप कभी बोले हैं क्या? जितना उत्तेजित होकर आप बोले हैं, बहुत बड़ी गलती है आपकी। ये जनता सब कुछ जानती है भाई, और जनता सबसे प्यार करती है, जो गाना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई गायक हो, नया हो पुराना हो, सबको बहुत प्यार करती है। आपको भी जनता ने ही बनाया है, पवन भैया को भी जनता ने ही बनाया है, हमको भी जनता ने ही बनाया है, और सभी कलाकार को जनता ने ही बनाया है। पवन सिंह
ये तो बात है भाई, जब गाता है तो दिल करेजा निकल जाता है, ये तो आप भी जानते हैं इस बात को, और आप भी उनसे सीखे हैं क्योंकि उनके बाद आप आए हैं। बच्चे से पवन सिंह गाते हैं, हम जब बच्चे थे ना, जिस समय पढ़ते थे स्कूल में, उस समय से हम पवन सिंह को सुन रहे हैं भाई। मैं क्या हूं, नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे दिल में पवन सिंह के चलते पवन सिंह नहीं है, इसलिए मेरे दिल में है पवन सिंह, कि पवन सिंह बहुत बेहतर गाते हैं। अगर एक लाइन भी उठा देते हैं ना, तो लगता है कि यहाँ चुभता है, दिल गदगद हो जाता है। उस सरस्वती पुत्र को आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दारू पी के चढ़ जाते हैं, हु हा हु, ये क्या है भाई? सम्मान करिए तो करते रहिए सम्मान, आपको उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया। क्या आप इतना उत्तेजित हो गए और कुछ भी बोलने लगे लाइव आकर? आप स्टार हैं, स्टार की तरह रहिए भाई, मैं यही कहूंगा आपसे। अभी बहुत काम करना है, ये नहीं कि भोजपुरी में क्या हो रहा है, ये सब दुर्दशा हो रहा है ना भोजपुरी का। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात से, पवन भैया बोले हैं मंच पे कि नंबर वन नंबर टू, लेकिन पवन सिंह कभी ये नहीं बोलते हैं कि नंबर वन हम हैं, नंबर टू कौन है, ये सब बात कभी उन्होंने चर्चा किया क्या? वो पहले तो लाइव ही जल्दी नहीं आते, वो बोलो कि पहले 100 मिलियन गाना मेरा ही गया है, वो भी बहुत दिन के बाद, ऐसा वो बोले हैं, ऐसा वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि अपने आप से क्या बताना है, सब जनता जानती है। उन्होंने बोला कि 100 मिलियन मेरा पहले गया, उसके बाद ही किसी का गया, तो ये सच्चाई है। लॉलीपॉप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अभी तक तो उसका कोई जोड़ा नहीं आया है। इस प्रकार की बातें मत करिए, पब्लिक आपको देखती है, सुनती है। दारू बारू बार बार आप कह रहे हैं कि दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं, दारू पी के ही करते हैं। दारू पी के कौन दारू नहीं पीता, मुझे जरा ये बता दे, पूरे इंडस्ट्री में कुछ लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन कौन नहीं पीता है? सब पीता है भाई, आप भी पीते हैं। लेकिन इस तरह की बातें मत करिए कि जिससे, अरे जिसको आप पिता मानते हैं, जिस हृदय को, पवन सिंह को आप कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं हमारे, उनको आप कैसे बोल सकते हैं? आप उनको क्या नहीं बोले हैं बताइए जरा, लाइव खोल के सब लोग सुना होगा आपका। आप तो पोटी करते हैं मुंह से, आप क्या बोलते, क्या रह गया बोलने का? ये मत सोचिएगा कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, एक पब्लिक बनकर बोल रहा हूं आज। आपको गाने के सिवा आता क्या है? अरे क्या नहीं आता है उनको, वो तो रास्ता बनाए, जिस रास्ते पे आप लोग हम लोग चल रहे हैं, मनोज तिवारी रास्ता बनाए, रवि किशन जी रास्ता बनाए, भरत शर्मा जी, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, मुन्ना सिंह, सबों ने रास्ता बनाया, सबका सींचा हुआ रास्ता है। जिस समय भोजपुरी थोड़ी डाउन हो रही थी, तो मनोज तिवारी भैया आए और एक ससुरा बड़ा पैसा वाली फिल्म लेकर आए, जो कि काफी हिट हुआ, और वहां से फिल्मों का भी स्तर बढ़ा। पवन भैया ने इतना गाना हिट दिया, इतना फिल्में हिट दिया, जिसको देखकर हम सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, अगर कोई भी अभी आता है ना, तो पवन सिंह को फॉलो जरूर करता है, इसलिए ना कि कुछ सीखना है तो उनसे ही सीख सकते हैं। गायकी में हमने सीखा है, हमारे जैसे कितने कलाकार सीखे हैं और सीख रहे हैं आजकल, जो भी गायक आते हैं तो एक बार जरूर उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से गा रहे हैं, ताकि मैं भी कुछ करूं उनके जैसा गा सकूं। तो उनको सब कुछ आता है भाई, पवन सिंह नाम है, थोड़ा दिल के बहुत अच्छे आदमी है वो।
विभोर हो जाते हैं, किसी को भी कुछ खुश हो जाते हैं तो कुछ से कुछ कर देते हैं, वो छिपा के नहीं करते हैं। यही उनमें एक, उसको मेरिट कहिए या डिमेरिट कहिए, पवन सिंह जो हैं खुला किताब हैं, वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं, आप दर्शकों के बीच में करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है भाइयों से जो इतना प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उनको। मुझे बहुत दुख हुआ, आज मैं अभी शूटिंग रुकवा दिया हूँ, मैं लाइव आना चाह रहा था रात से ही, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया, शूटिंग में बिजी था, लेकिन मुझे अब लगा कि मुझे आना चाहिए। आप एक सुपरस्टार हैं भाई, आपको देखती है लोग, आप इस प्रकार के बात मत करिए कि 3 किलोमीटर पे प्रोग्राम करावा, आधा किलोमीटर पर प्रोग्राम करावा, पवन सिंह के हमार देखा, 4 घंटा गा सकेले हूँ, 2 किलोमीटर दौड़ के देखावा, यहाँ क्या बहाली चल रहा है? एक से एक आदमी दौड़ने वाले पूरे देश में पड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि आप दौड़ते हैं और दौड़िए, लेकिन इस प्रकार से किसी को, किसी पे, किसी के फैमिली के बारे में, किसी के रियल जिंदगी के बारे में मत बोला करिए, बहुत गंदा लगता है ये सब। मैंने आपका लाइव सुना, 2 बार सुना लाइव, पवन भैया का भी मैंने सुना स्टेज शो वाला, मैं भी उस दिन को प्रोग्राम कर रहा था कोलकाता में। किसी को इल्जाम मत लगाइए कि वो दारू पीता है, दारू तो आप भी रोज पीते हैं, मुझे ये भी पता है, लेकिन कोई है कि खुली किताब है, वो छिपाता नहीं है। आज पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो, तो पवन भैया ही लेकर आए हैं पहले। आज बहुत मन गदगद हो जाता है जब कोई हिंदी के कलाकार जब कहता है कि कोई गायक है तो भोजपुरी में पवन सिंह है, सोनू निगम भैया बोले ऐसा, क्या गाता है, तो ये गर्व की बात नहीं है कि लोग, हिंदी वाले लोग भी सब भोजपुरी को सराहे, इतना प्यार दे और कहे कि हाँ कोई है, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई, ऐसा मत कहिए कि आप कुछ नहीं किए हैं। आज आप अब आए हैं, वो इतना पहले हिट दे चुके हैं, और आप भी उन्हें देखकर ही आगे बढ़े हैं। पवन सिंह को आप फॉलो नहीं किए हैं क्या? बड़े भाई मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो क्या पिताजी को गाली दिया जाता है? बताइए, सम्मान दीजिए, आपको मानते हैं वो। मैं तो बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन बस दिल में ये बात था, मैं एक पब्लिक, मैं कलाकार से पहले पवन सिंह का फैन हूँ, इसलिए हूँ ना कि वो इतना अच्छा गाते हैं ना कि उनका कोई भी बतिया अच्छा लगता है, उनका जो कोई गाना आता है ना तो इतना दिल से गाते हैं, हृदय से गाते हैं। और कोई बात नहीं, ये नहीं कि पवन सिंह है, गुंजन सिंह है तो ऐसा पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कोई मत सोचिएगा, कोई भी जो देख रहे हैं इस लाइव को या बाद में भी देखेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं गायक नहीं भी होता ना तब भी मैं लाइव आता। मैं तो कह दिया कि मैं छोटा आदमी हूं, बस दिल में ही बात रहे कि भोजपुरी के हमने के आगे बढ़ावे के बाद, मेहनत करे के बाद, ये नहीं कि अपने में लड़ना है, नंबर 1 नंबर 2 की बातें नहीं करिए, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। और अखाड़ा में ये करिए तो वो करिए, हे हो हा, आपने क्या किया है, आपको आता क्या है? आता बहुत कुछ है, वो आदमी काम कितना करते हैं, शूटिंग फिल्म हो एल्बम हो, बहुत सोच समझ कर गाते हैं गाना भी पवन भैया, और जो गाते हैं वो सब आप जानते ही हैं, दर्शक सब जानते हैं कि जो गाते हैं वो सब
सबको स्वीकार रहता है और सब लोग सुनता है दिल से। करिए, सब लोग काम करें, अच्छी बात है। आप भी गाना बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का जो गार्जियन है, जो आदर्श है, आपकी भी आदर्श हैं, उन्हें आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहने वाले करोड़ों हैं। यदि आपको चाहने वाले करोड़ों हैं, उनको भी चाहने वाले करोड़ों हैं, तो इस प्रकार से आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, आपको भी अफसोस हो रहा होगा, या नहीं हो रहा होगा तो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे गौर करिएगा मेरी बातों पे। पवन सिंह इतना भी कुछ नहीं कह दिया कि आपको इतना बड़ा लाइव आना पड़ गया और कुछ से कुछ बोल दिया कि लाइव में क्या बचा है बोलने के लिए आपके पास, और कुछ बोल सकते थे। मुंह से पोटी करिए, मुंह से पोटी कर दिए, स्टेज पर चढ़ के कुछ भी बोल देना है, दारू पीना है, ये करना है, वो करना है। अरे भैया, सब तो दारू पी ही रहा है, कौन नहीं पी रहा है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और सब ये जनता सब जानती है कि कौन दारू नहीं पी रहा है और कौन पी रहा है, सबको पता है। काम करिए, और दर्शक लोग तो हमारे भगवान हैं, सब लोग जानते हैं कौन क्या है, क्या होना चाहिए, कौन कितना आगे है, सब उनको सब पता है, ये बताने की जरूरत पड़ेगी। बहुत दुख हुआ आज भाई, मैं आहत हूं इस बात से कि जिसको आप पिता तुल्य मानते थे, कल तक, परसों तक, उनको आपने क्या नहीं कह दिया, अब बचा ही क्या रह गया कि आप कहेंगे। फिर भी आप पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, कुछ से कुछ लिखकर डाले जा रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सारे को नमस्ते प्रणाम, सब हमारे गार्जियन हैं, भगवान हैं। जो सच्चाई था हमने कहा, मैं जब से सुना हूं यह बात ना, क्या कहूं, दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। मैं रात से ही सोच रहा हूं लाइव आऊं, लेकिन काफ़ी रात हो गया, फिर शूटिंग चला बहुत लेट नाइट तक, फिर 2-3-4 घंटा सूत के उठनी है, फिर अभी पूजा पाठ भइल बा, फिर शूटिंग स्टार्ट हुई। अब गाने का प्रमोशन करना चाहिए हम लोग को, फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए, जनता जो मुझे इतना प्यार करती है उनके बारे में सोचना चाहिए। हो हु हा हो, क्या एक्टिंग है भाई, अच्छा है, आप अच्छा काम करते हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जगह पे। अरे छोटा सा जिंदगी है भाई, इसमें क्या करना है, सबको एक दिन मरना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसमें इतना ये वो करना अच्छी बात नहीं है। ये पवन भैया बड़े हैं, बड़े रहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। आपके नहीं कहने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे, वो जन्म ही पहले लिए हैं तो बड़े हैं, और इंडस्ट्री में भी उन्होंने आपसे बहुत पहले कदम रखा है, वो बहुत सारे हिट दे दिए तब आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप इस प्रकार से नहीं बोलिए, आज के बाद कम से कम तो ये सोच लीजिए ही कि जब बड़े भाई हैं, आपके पिता तुल्य हैं, तो इस प्रकार की बात आपको नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता है, बहुत गलत बात है, इस पे सुधार करिए, तभी अच्छा रहेगा। दिन रात आदमी काम करता है, यहाँ शूटिंग, वहाँ शूटिंग, ई प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, आप भी करते हैं,
लेकिन आपने जितना हद पार कर दिया इस बार लाइव में, आज तक आप ऐसा नहीं बोले होंगे मुझे लगता है। पता नहीं किस प्रेशर में आप बोले, कौन बुलवाया, कैसे बोले, पता नहीं। ये सूट नहीं करता है, बहुत गलत बात है, सुधार करिए इस पे। आज कम से कम गर्व होता है ना हो कि लॉलीपॉप पूरे दुनिया में इतना बड़ा हिट गाना है, अभी तक उससे बड़ा हिट गाना कोई नहीं आ पाया। कहीं जाइए तो जरूर कोई विदेश में भी लोग कहता है कि हाँ लॉलीपॉप, 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 बस इतना लोग जरूर कहेला, तो गर्व होला नू। तो ये बतिया अगर वो कह देना ना स्टेज पर कि 100 मिलियन पहला हम देनी है, तो कुछ तो अगला आदमी किया है तभी बोला है ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है, किसी को इतना बोलने का क्या बात है कि आपको आता क्या है, आप किए क्या हैं, आपको सिर्फ गाना आता है। इतना फिल्म पवन सिंह का सही हिट बा, सिर्फ गवला से गायकी प्रथम भूमिका है, प्रथम स्थान पे गायकी है। जो भी हीरो बने हैं, जो भी गायक हीरो बने हैं, पहला स्थान तो उनका गायकी है, क्योंकि यहीं से वो आगे बढ़े हैं। क्या उनमें सुंदरता में कमी है, उनको क्या नहीं आता है। प्लीज ऐसा मत करिए, और ऐसा कभी टिप्पणी मत करिए, ऐसा बोला मत करिए, ये बहुत गलत बात है। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, भाई हैं, सभी कलाकार भाई हैं, लेकिन इस प्रकार से बोल के आप जनता के नजर में भी गिरे हैं, ठीक है। दारू भी सब पीता है भाई, और क्या क्या होता है सुबह से शाम तक इस इंडस्ट्री में, ये मेरे से छिपा हुआ नहीं है ना, आप दर्शकों से छिपा हुआ है, सब कोई जानता है हर चीज। ये नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये बॉडी बा वो बा, ठीक बा, अच्छा बा कि आप बॉडी बनाए हैं, सभी लोग बॉडी बनाए हैं, सब लोग मेहनत कर रहा है, खाली बॉडी मने रही तो क्या काम हो जाएगी। बॉडी बना लिए और घर में बैठे रहिए, क्या होगा। अच्छी बात है सभी लोग बॉडी बनाए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़े, हर कलाकार आगे बढ़े, जो अच्छा गाएगा उसका सभी लोग सुने, और दर्शक तो भगवान है, उनको सब पता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आपने जो ये लाइव आकर इतना गंदा बोला है पवन सिंह को, ये बहुत बड़ी गलती है आपका, इस पे सुधार करिए। जब बड़े भाई मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, तो इस प्रकार क्या बोलने का क्या मतलब था आपको। एक दिन कहिएगा प्रणाम भैया, एक दिन गरियाइएगा, यही संस्कार है आपका। पवन सिंह कभी कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप रहने वाला आदमी है, बहुत सारी बातों को दबा के रखते हैं अपने दिल में, 10 तरफ से उनको लोग कुरेदता है, इधर से उधर से उधर से उधर से, कुछ भी होवे तो पवन सिंह कर देना है। वो आदमी बहुत चुप रहते हैं, बहुत हद पार हो जाता है तो कुछ बोलते हैं, क्या उनको बोलने का हक नहीं है। वो गुप्त रूप से नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सबके सामने बोलते हैं, वो हंसते भी हैं सबके सामने हंसते हैं, कुछ कहना होता है तो बहुत खुले। इसलिए भाई सुधार करिए इस पे, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा करिए। आप सुपरस्टार हैं, अगला आदमी भी सुपरस्टार है, आप बोलेंगे दर्शक सब सुनते हैं, सब देखते हैं सबको, आप अच्छा काम करिए। कि ये नहीं कि किसी का निंदा करिए, किसी पर टिप्पणी करिए, और वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे,
इसमें हम आप या कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई छोटा कर देगा, उनको जनता प्यार करती है, आपको जनता प्यार करती है, हमको जनता प्यार करती है। और वो इंडस्ट्री में पहले आए, आइकॉन हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबों ने सीखा है उनसे, उनकी मार्ग पे हम लोगों ने चला है। वो अगर ऐसा बोल ही दिए तो क्या गलत बोल दिए, सच्चाई है। पवन सिंह पहले आए हैं ना इंडस्ट्री में, मनोज तिवारी भैया पहले आए हैं ना, भरत शर्मा जी पहले आए हैं, बहुत सारे कलाकार पहले आए हैं, तो उनके मार्ग पे ही हम लोग चल रहे हैं, बनाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो कुछ योगदान तो पवन सिंह का भी है मार्ग बनाने में, उस पे आप चल रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है अगर वो बोल ही दिए ऐसा। तो जब वो पहले से इंडस्ट्री में हैं, बच्चे से गाते हैं, उस समय से ही, आप तो बाद में आए ना, बहुत बाद में आए हैं, हम तो और बाद में आए हैं, तो हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इस पे। हाँ, मार्ग बना हुआ, उस मार्ग पे चल रहे हैं, आज एक अच्छा मुकाम है भोजपुरी का, और आगे बढ़ना है, अभी बहुत काम करना है भोजपुरी में, मगही में, हिंदी में, हर जगह भोजपुरी का नाम हो, मगही का नाम हो, जहाँ तक हो सके हम लोग मेहनत करेंगे दिन रात। लेकिन ऐसा टिप्पणी नहीं करिए, ये आपका बहुत बड़ा गलती है, इस पे सुधार करिए। वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे, और ऐसे नहीं बड़े हैं, एक तो उम्र में बड़े हैं, और एक उनका जो गायकी है वो सारे दर्शकों पे राज करता है, उन सारे दर्शकों के दिल में निवास करता है। चलिए, मेरा शूटिंग का टाइम हो गया है, हम विदा लेता नहीं आप सबसे, कोनो गलती सलती हो जाए भाई लोग हमार तो माफ कर दिया, बाकी जे सच्चाई रहे हम बोलनी है। जय माता दी।